जैसे सैंपल सैंपल देखने के लिए टावर 8 फर्स्ट फ्लोर। This is the first floor. सैंपल यहाँ पे अच्छा मिलेगा, व्यू देख सकते हैं। ये आपके फ्लोर में हमने चेक किया है, आप देखें ये मार्की 3 BHK मूव इन 3 BHK प्लस लॉन्च अपार्टमेंट्स 102 गुड़गांव। काफी मस्त है, सर्विस लिफ्ट भी है आपका, दूसरे पैसेंजर लिफ्ट आपका यहाँ पे है। आपकी स्टेयरकेस भी आपके यहाँ देख सकते हैं। ये आपकी बाहर की रूम है, आप देख सकते हैं एसी फिटेड है, नाइस एंड फाइन लिविंग रूम आप कह सकते हैं इसे। दिस इज द डाइनिंग रूम, आप यहाँ पे देखें ये किचन है, अब बाहर से व्यू यहाँ आपका रहेगा 3 BHK का। ये वार्डरोब है, डाइनिंग ये भी एक छोटा सा रूम है डाइनिंग टाइप का। ये एक बेडरूम है, वो फर्स्ट बेडरूम, नाइसली वेंटिलेटेड। दिस इज द वे हाउ इट लुक्स। यहाँ से भी आपकी बाहर की व्यू मिल जाएगा, दिस इज नाइस एंड फाइन व्यू। जिसे किड्स टाइप ऑफ रूम आप बोल सकते हैं, इसे स्मॉल रूम किड्स रूम। जिसे वुडन वुडन फ्लोरिंग, इसमें भी आप देख सकते हैं बैल्कनी व्यू, काफी अच्छी बैल्कनी व्यू होगी। ये देखिए बेल्कनी व्यू है, दिस इज द वॉशरूम। आप देखिए दिस इज द मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम कुछ ऐसे रहेगा आपका, साइज आपका अराउंड 17x12 के आसपास होगा।
एसी फिटेड, एसी फिटेड है। यहाँ से मास्टर वॉशरूम भी आपकी कनेक्टेड होगी। और बैल्कनी भी आप एक नजर डाल सकते हैं, बैल्कनी का भी, बैल्कनी भी काफी जबरदस्त है। कर्टेंस लगे हुए हैं बैल्कनीज में, काफी अच्छी सैंपल फ्लैट है ये वाला। वार्डरोब भी है और देख सकते हैं मिररिंग भी। किचन मैंने जैसे बताया, मार इंपीरियल गार्डन, अब बैठ के अंगूर भी खाया जा सकता है आपका यहाँ भी। इमार इंपीरियल गार्डन्स सेक्टर 102 गुड़गांव। अब एंट्री यहाँ से है, अब देख सकते हैं दिस इज द रोड कनेक्टिंग फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से आप कनेक्ट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अदानी का बिल्डिंग है, यहाँ भी अदानी का बिल्डिंग है। आगे आपका शाहपुर जी की बिल्डिंग्स होंगे, शाहपुर जी का जो नया प्रोजेक्ट है वहाँ पे लॉन्च है। और इमार के यहाँ पे आप देख सकते हैं इमार की प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा सेक्टर है सेक्टर 102 गुड़गांव। कोई विलेज नहीं होगा आपके सामने इस तरफ, कोई भी विलेज नहीं होगा। 100 एकर्स का पार्क है आपके सामने और सीधा कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे से है, काफ़ी फ्री रहेगा आपका। इम्पीरियल गार्डन्स इमार का, इमार की एंट्री रोड आपका कुछ ऐसा रहेगा। हिमार की प्रोजेक्ट, हिमार इज ए वेरी गुड बिल्डर। इट हैज पहले से लेके अभी तक इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। दे हैव गुड प्रोजेक्ट्स इन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, न्यू प्रोजेक्ट्स एज वेल। न्यू गुड़गांव में भी प्रोजेक्ट्स हैं और इम्पीरियल ग्रीन्स भी वो बना रहे हैं, गुड़गांव ग्रीन्स। ये इनकी एंट्री होगी कुछ इमार का, काफी बड़े एरिया लेके ये प्रोजेक्ट बना रहे। काफी यहाँ पे इन फ्यूचर काफी ग्रीनरी आने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं इमार जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, 100 एकर्स का पार्क आ रहा है उस तरफ मेन द्वारका एक्सेस के। यहाँ पे कोई आपकी प्लॉट या लैंड डेवलपमेंट और किसी बिल्डर की नहीं है। और यहाँ पे देखिए इमार की कंस्ट्रक्शन और इमार की प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपकी ग्रीनरीज है, फार्म लैंड है, फार्मिंग हो रही है, पॉल्यूशन फ्री एरिया, ग्रीनरीज हैं, साउंड कम रहेगा आपका, ये देख सकते हैं आप। हमारे इंपीरियल गार्डन्स का हर जगह बोर्ड है यहाँ पे,
हम देखें ऐसे कुछ लोकेलिटी रहेगी आपकी। सेक्टर 102 काफ़ी अच्छा एरिया है, लोकेलिटी भी काफ़ी अच्छा है, ग्रीनरी अच्छा है। और जैसे 100 एकर्स पार्क होगी आपके घर के ऊपर उस तरफ, तो आपको और क्या चाहिए। स्कूल्स भी अच्छे हैं यहाँ पे, मेन हाईवे भी आप देख सकते हैं यहाँ जा रहे हैं। हर जगह इमारत का ही बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये आपकी फार्मलैंड है। इंपीरियल गार्डन्स का साइट ऑफिस है ये। ये आपकी इमारत की साइट है और ये आपकी साइट ऑफिस सेल सेंटर कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं काफी अच्छी लोकेलिटी इन्होंने बना रखी है। सेल्स ऑफिस काफी अच्छी बिल्डिंग है, हम देखें काफी ग्रीनरीज काफी है। और यहाँ पे सारा एरिया आपका किड्स प्ले एरिया है, हम देख सकते हैं। मैं अगर एक टूर लगाऊं तो काफी मजा आ जाएगा आपको। दिस इज द किड्स प्ले एरिया, आप देखें काफी लॉन काफी अच्छी है। आप देख सकते हैं लॉन ही लॉन है, फ्लैट्स बने हुए हैं, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, ओसी आ चुका है। आप देख सकते हैं काफी बढ़िया चीज है, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, सारा कुछ अच्छा रहेंगे, जिम, आपके सारे बेसिक एमिनिटीज। अब देखिए यहाँ पे आप अगर देखते हैं सोसाइटी के अंदर से कुछ फ्लैट का नज़ारा कुछ ऐसे रहेगा। काफी जबरदस्त है चीजें, ये देखिए स्विमिंग पूल का काम चल रहा है आपका। ये लॉन है आपका, एंड दिस इज द टावर्स।
और देखिए काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन चल रही है। या आप जॉगिंग ट्रैक कर सकते हैं, आप वॉकिंग ट्रैक है आपका, मॉर्निंग वॉक के लिए आ सकते हैं आप, काफी अच्छी लोकेलिटी रहेगी आपकी। देखिए फ्लावर्स, वेरियस वेराइटी की फ्लावर्स और गार्डनिंग हो रही है यहाँ पे। अच्छी लोकेलिटी है, पीसफुल लोकेलिटी, आप खुद ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई शोर शराबा नहीं है। इट्स वेरी नाइस काम सोसाइटी इन सेक्टर 102 गुड़गांव। सैंपल स्विमिंग पूल कुछ आपका ऐसे रहेगा। लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ दिनों में ऑपरेशनल हो जाएगा ये स्विमिंग पूल फ्लैट के बीचों बीच। हम सेल्स ऑफिस में जाके सैंपल फ्लैट्स भी देखेंगे। देखिए वंडरफुल, आप यहाँ पे पार्टी कर सकते हैं, पार्टी लॉन कर सकते हैं, दिस इज ए पार्टी काइंड ऑफ थिंग। अब देखिए काफी बढ़िया है। लाइट भी लगी हुई है जो गार्डन लाइट्स कह सकते हैं आप, या पार्क लाइट कह सकते हैं। काफी ओपन स्पेसेस काफी ज्यादा है। किड्स प्ले एरिया है, झूला है बच्चों के लिए, सीसा है। इंपीरियल गार्डन्स का काफी हवा चल रही है। ये आपका टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट आप कह सकते हैं, नाइस एरिया। अब देखिए लॉन भी बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पे टेनिस, बास्केटबॉल, टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन वगैरह। यहाँ से भी एंट्री है आपका, यहाँ कार पार्किंग के लिए है।
यहाँ बेसमेंट एंट्री है आपका, बेसमेंट में एंट्री। ये सिर्फ मल्टी लेवल पार्किंग के लिए यूज किया जा सकता है। सारी पार्किंग हो रखी है गाड़ी। यहाँ भी आपकी फ्लैट्स हैं। ये अलग ब्लॉक आ गया आपका। अब देखिए क्लब आर्केड के लिए ये वाला रास्ता जा रहा है। अब देख सकते हैं ये बेसमेंट में गाड़ी खड़ी है। मल्टी लेवल किया जा सकता है यहाँ पे। अब हम चलते हैं।